गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और कुलदीप ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के वन लाइनर नोट्स लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो साइकोलॉजी के रामबाण से होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की बात चल रही है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी गई है वो वुडवर्थ महोदय की परिभाषा है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ महोदय ने दी है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमरीकी विलियम जेम्स को जाता है। अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स, जिन्होंने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र से अलग किया है। पहले जो ये मनोविज्ञान था वो पहले एक स्वतंत्र विषय नहीं था, बल्कि दर्शन शास्त्र के साथ में पढ़ाया जाता था, लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट बन गया है और विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी है 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, वॉटसन जो है उनको व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर विलियम वुंट ने लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जा रहा है। उसके बाद में थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र क्या होता है? बालक होता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया है? रूसो ने किया है। अंतर्दर्शन में तीन तत्व पाए जाते हैं। अंतर्दर्शन की जो विधियां हैं उसके अंदर तीन तत्व पाए जाते हैं, संवेदना, भाव और प्रतिमा सम्मिलित हैं। मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ था। मनोविज्ञान का जब जन्म हुआ है वो अरस्तु के समय की बात चल रही है, तो वो दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गाइकले के द्वारा किया गया है। विलियम वुंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। विलियम वुंट जो महोदय हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की, और साइकोलॉजी का प्रयोग जो सर्वप्रथम 1912 में किया गया है, 1912 में साइकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, प्रयोग हुआ है यूरोप में। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो रूप प्रकट हुआ उसे साहचर्यवाद कहा गया है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, दोस्तों आपको इस बुक्स का नाम याद रखना है, मैकडूगल की ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द की बरसक निंदा की गई है। इस बुक्स का नाम कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। पावलो ने 1904 में पाचन व्यवस्था के कार्य के नोबेल पुरस्कार मिला। जो पावलो हैं जिन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1904 के अंदर। वो भी किसके लिए मिला है? पाचन व्यवस्था के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपना अगला नोट्स। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कौन से सन से मानी जाती है? 1900 सन से मानी जाती है।
अब है अंतर्दर्शन विधि, अगला है निरीक्षण विद्या। अगला क्या है? निरीक्षण विद्या। निरीक्षण विद्या कौन कौन सी हैं? निरीक्षण विद्याएं हैं इसके अंदर एक तो है अंतर्दर्शन विधि, जिसी को कहते हैं अपन आत्मनिरीक्षण या आत्मनिष्ठ विधि, और दूसरी है बहिर्दर्शन। निरीक्षण की दो विधियाँ हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। एक तो ये हो गई अंतर्दर्शन, दूसरी हो गई बहिर्दर्शन। अंतर्दर्शन विधि है जो अवैज्ञानिक विधि है, जो क्या है? अवैज्ञानिक विधि है। और बहिर्दर्शन, इसे स्वनिरीक्षण विधि कहा है, किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने इसको क्या कहा है? स्वनिरीक्षण विधि कहा है। स्वनिरीक्षण विधि कहा है? वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ महोदय ने इसे क्या कहा है? स्वनिरीक्षण विधि कहा है। और अवैज्ञानिक विधि है, और इसके जो जनक है, अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन है? संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट और टिचनर। विलियम वुंट और जो टिचनर हैं, वो इसके क्या हैं? जनक हैं, अंतर्दर्शन विधि के जनक हैं। और इसी के अंदर अंतर्दर्शन विधि के अंदर ही तीन तत्व पाए जाते हैं, संवेदना, भाव और प्रतिमाएँ। तीनों तत्व इसी के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी है बहिर्दर्शन विधि, जिसको अपन कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ विधि, निरीक्षण विधि, अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन है। बहिर्दर्शन क्या कहलाता है? अन्य व्यक्ति के व्यवहार को जानना, अन्य व्यक्ति के जो व्यवहार हैं उसको अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना ही क्या कहलाता है? बहिर्दर्शन कहलाता है। और बहिर्दर्शन विधि के जो जनक हैं वो कौन है? व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक जॉन बी वॉटसन, जो बहिर्दर्शन विधि के जनक है। और अंतर्दर्शन के जो जनक हैं वुंट और टिचनर हैं। और बहिर्दर्शन विधि के अन्य नाम क्या है? पर अवलोकन था, पर निरीक्षण या पर प्रेक्षण विधि भी कहते हैं इसको। पर अवलोकन या प्रेक्षण, पर निरीक्षण या प्रेक्षण विधि इसके अन्य नाम है। आगे बढ़ते हैं। कोलेसनिक, कोलेसनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार होता है। कोलेसनिक महोदय ने निरीक्षण के दो प्रकार बताए हैं। औपचारिक निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में होता है, और अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में होता है। उसके बाद में प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि इसकी है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा प्रतिपादित है। प्रयोगात्मक विधि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा प्रतिपादित है। एकल चर नियम पर आधारित है ये, और 1872 में इनकी पुस्तक आई थी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। पुस्तक किसकी है? जॉन स्टुअर्ट मिल की ये पुस्तक है, जिसको आपको याद रखना है। अब कोलेसनिक महोदय, कोलेसनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से माना है। जो कोलेसनिक महोदय हैं, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को जो आरंभ है वो कहाँ से माना है? प्लेटो से माना है। ये कहते हैं प्लेटो से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है, जबकि स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से मानते हैं। प्लेटो जो है वो मानते हैं, कोलेसनिक मानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से हुआ है। जो कोलेसनिक हैं वो प्लेटो से मानते हैं, और स्किनर वाले, स्किनर जो महोदय हैं वो मानते हैं अरस्तु से। कोलेसनिक ने शिक्षा के क्षेत्र, किलपैट्रिक, कोलेसनिक नहीं है दोस्तों, किलपैट्रिक, सेकंड पॉइंट, किलपैट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली को जन्म दिया तथा करके सीखने पर बल दिया है। किलपैट्रिक किसकी विधि है? किलपैट्रिक है प्रोजेक्ट प्रणाली। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षण कराने हेतु मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रतिपादन किया है। मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रतिपादन किया, और वो मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया था। हरमन रोसा ने 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया? हरमन रोसा, 1921। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, गॉल्टन ने 1879 में साहचर्य विधि का निर्माण किया। जो गॉल्टन महोदय हैं, इन्होंने साहचर्य विधि का निर्माण किया है 1879 में। और आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक पद्धति का प्रतिपादन किया। बी एफ स्किनर 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया है। बी एफ स्किनर आपको याद रखना है, 1938 के अंदर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है। और बी एफ स्किनर ने एक और सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अलावा कौन सा है? बी एफ स्किनर ने महोदय ने बिल्ली और कबूतर के ऊपर इसके प्रयोग किए थे, और उन्होंने
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का। बी एफ स्किनर ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था? बी एफ स्किनर ने। और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया था। बात करते हैं टॉलमैन की। टॉलमैन 1932 प्रयोजनमय व्यवहार का प्रतिपादन किया है। प्रयोजनमय व्यवहार का प्रतिपादन किसने किया है? टॉलमैन महोदय ने। लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में व्यक्तित्व मापन के लिए सीएटी केट बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण का निर्माण किया है। सीएटी केट का परीक्षण किसने किया है? लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में किया है। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर कार्लटन ने विनेटिक इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया है। डॉक्टर कार्लटन वॉसबर्न जिन्होंने इकाई प्रणाली का प्रतिपादन किया है। जॉन लॉक ने इंद्रियानुभववाद का प्रवर्तन किया है। वॉल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है। वॉल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। भेड़िया से आपको याद रहेगा कि वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो वॉल्फ ने क्या किया? मनोविज्ञान, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? जे ए स्पीटर। आधुनिक जो शिक्षा के हैं जनक हैं वो कौन है? जे ए स्पीटर कहलाते हैं। टिचनर संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद का नामकरण किया है। टिचनर जो महोदय हैं उन्होंने संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद का नामकरण किया है। एंजल ने प्रकार्यवाद की मीमांसा की है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र समग्र संप्रदाय की देन है। गेस्टाल्ट थ्योरी है। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसको क्या है? समग्रवाद, गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता रोजर्स हैं। पर्यावरणीय जो सिद्धांत है उसके प्रणेता कौन है? रोजर्स महोदय हैं। परिष्कार का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? अरस्तु महोदय ने दिया है परिष्कार का सिद्धांत। 3H का संप्रत्यय किसने दिया है? पेस्टोलॉजी ने दिया है। ये एकदम परफेक्ट फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन फैक्ट को एक नोट्स की तरह बना लीजिएगा। जनरल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं गिलफर्ड हैं। जनरल साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसकी है? गिलफर्ड महोदय की है। अधिगम अभिक्षमता के क्षेत्र, अधिगम की जो अभिक्षमता के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं उनको अपन देखेंगे। सबसे पहले अपपठन, डिसलेक्सिया। लेक्सिया का मतलब होता है अपपठन, यानी कि पढ़ने में कठिनाई आती है तो वो क्या हो गया? डिसलेक्सिया। और डिसकैल्कुलिया, कैल्कुलिया यानी कि कैलकुलेशन करना, गणना करना, तो ये अपगणन, तो ये क्या हो जाएगा? अपगणन। अफेसिया, अफेसिया का मतलब है भाषा संबंधी। उसके बाद में डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो ये अपलेखन से संबंधित थे। इस प्रकार ये अधिगम की अभिक्षमता के जो आपके प्रकार हैं उनको आपको लिख के रखना है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन अलेक्जेंडर बेन ने किया है। साहचर्य जो सिद्धांत है वो किसने दिया? अलेक्जेंडर बेन ने दिया है। सांपीय संबंधवाद एडविन गुथरी का है। सांपीय संबंधवाद का जो सिद्धांत है एडविन गुथरी महोदय ने दिया है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तो आप मेरे साइकोलॉजी की जो वीडियो इनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक स्थान से गाड़ी को रवाना किया तो टॉलमैन ने पैसे देने के उद्देश्य से किराया ले लिया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ब्रूनर उनका अन्वेषण कर रहा है। इस प्रकार मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत है वो रोजर्स महोदय ने दिया है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ज्ञानेंद्रियां यानी कि अपने इंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है किंडर गार्डन। बेसिक शिक्षा समवाय पर आधारित है। अब आगे नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बाल विकास। बाल विकास के कुछ फैक्ट है जो अपना टॉपिक है, दूसरी यूनिट है, और इसके मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ आपके लिए, तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। बाल विकास 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। 19वीं जो शताब्दी है
अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई, और बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टेनले हॉल ने, इस आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं स्टेनले हॉल, और इसको बाल अध्ययन आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ऐसा कुछ जो मैंने आपको कल ही बताया था, मेरे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। स्टेनले हॉल इस आंदोलन के जन्मदाता हैं। 1893 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत कब? 1893 में, 1893 के अंदर। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 के अंदर हुई थी, लेकिन भारत में जो बाल विकास के अध्ययन की जो शुरुआत हुई है वो 1930 के अंदर हो चुकी है। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 न्यूयॉर्क अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई है। प्रथम जो बाल गृह की स्थापना की गई 1887 के अंदर न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई है। और गेसेल महोदय की दो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जिनको आप देख सकते हैं। गेसेल महोदय की पुस्तक हैं इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ 1928 में, और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ दोनों पुस्तकें किसकी हैं? गेसेल महोदय की हैं, एक 1928 की है, एक 1930 की है। जीन पियाजे महोदय की एक पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बाल चिंतन की भाषा 1926, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड 1920, संसार के बच्चों के विचार, ये भी जीन पियाजे महोदय की है, मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1930, मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये भी बहुत अच्छी बुक्स है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ये बुक्स किसकी हैं। इंग्लैंड में सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर जो सली हैं उन्होंने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टेनले हॉल ने किया है। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका प्रकाशित की गई थी वो स्टेनले हॉल महोदय ने की, और पेडोलॉजिकल सेमिनार के नाम से जानी जाती है। पेडोलॉजिकल सेमिनार का प्रकाशन किसने किया है? स्टेनले हॉल महोदय ने किया है। आगे बढ़ते हैं प्रेयर की पुस्तक आप दोस्तों याद रखिएगा, ये पुस्तक अक्सर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक पूछी जाती है। प्रेयर की पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, अच्छा माइंड एंड चाइल्ड है, माइंड एंड सोसाइटी नहीं है, माइंड एंड चाइल्ड पुस्तक जो है प्रेयर महोदय की है। पुस्तक बाल अपराध जैसे व्यवहार के निदान के लिए विलियम हीली 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला गया। बाल अपराध जैसे व्यवहारों के लिए निदान के लिए विलियम हीली महोदय ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला है। बाद में यह सेवा केंद्र विलय हो गया और वर्तमान में इसका परिवर्तित रूप विद्यालयों में कैरियर डे के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इसका जो रूप हमें देखने को मिलता है वो कैरियर डे के रूप में जाना जाता है, जो हम विद्यालय के अंदर मनाते हैं। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु और बालक की शताब्दी कहा है। क्रो एंड क्रो की जो जिन्होंने बालक के 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा है। आगे बढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक कॉल एवं बुश ने बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। मनोवैज्ञानिक कॉल एवं बुश ने बाल्य अवस्था के काल को अनोखा काल का नाम दिया है, कठिन काल नाम दिया है। और बाल्य अवस्था को जीवन का निर्माणकाली काल किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड महोदय जो है उन्होंने इसको जीवन का निर्माणकाली काल कहा है बाल्य अवस्था को। और समाजीकरण का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। बालक का जो बाल्य अवस्था है उसको किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा है? समाजीकरण का काल। सिगमंड महोदय ने क्या कहा है? जीवन का निर्माणकाली काल कहा है। और कॉल और बुश ने क्या कहा है? कठिन काल या अनोखा काल कहा है। स्टेनले हॉल की पुस्तकें एडोलेसेंस किशोरावस्था 1904 में इनकी पुस्तकें, पूर्व किशोरावस्था या वय संधि 11 से 15 वर्ष, इसे तूफान या उलझन की अवस्था भी कहा गया है। पूर्व किशोरावस्था को तूफान या उलझन की अवस्था भी कहा गया है। बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रवर्तक हैं जो आपको याद होने चाहिए रटे हुए, ये वन लाइनर नोट से आपको फैक्ट याद होने ही चाहिए। लैंगिक विकास फ्रायड का है, सिगमंड फ्रायड का है। मनोसामाजिक है, इरिक इरिक्शन का है।
परिपक्वता सिद्धांत गेलेस महोदय का है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा का है, नैतिक विकास कोहलबर्ग का है, संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आर एस केटल। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत किसका है? आर एस केटल का है। उसके बाद में केटल ने भावुक और विचारों की स्पष्टता वाले व्यक्ति को चक्र विक्षिप्त कहा है। केटल महोदय जो हैं जिन्होंने भावुक और विचारों की स्पष्टता वाले व्यक्ति को चक्र विक्षिप्त नाम दिया है। अपराधी बालकों के उपचार की जो सर्वोत्तम विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, और व्यक्ति इतिहास विधि की है टाइडमैन की है। अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि है व्यक्ति इतिहास विधि, और व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है? टाइडमैन। सामाजिक स्थिरता युक्त व्यक्तित्व सर्वोत्तम माना जाता है। सामाजिक जो स्थिरता युक्त व्यक्तित्व है वो सर्वोत्तम माना जाता है। यह कथन निष्कर्ष के अंदर ये सवाल दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप जरूर याद करें। बाल अपराध विज्ञान के जो जनक है सीजर लाब्रोसो है। बाल अपराध विज्ञान के जो जनक है उनको क्या कहा जाता है? सीजर लाम्ब्रोसो। निम्न बुद्धि स्तर को बाल अपराध का कारण माना है इन्होंने, निम्न बुद्धि स्तर को। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बोस्टल संस्थाएं बाल अपराध को सुधारती हैं। बोस्टल जो संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं? बाल अपराध को सुधारने के लिए बनाई जाती हैं। कार्ल रॉजर्स ने बाल उपचार के लिए अनिर्देशित पद्धति का विकास किया है। कार्ल रॉजर्स जो महोदय हैं जिन्होंने बाल उपचार के लिए अनिर्देशित पद्धति का आविष्कार किया है। बाल अपराध के उपचार के लिए दो विधियां हैं, एक है मनोवैज्ञानिक विधि और दूसरी है वैधानिक विधि। अभी है अधिगम अक्षमता के प्रकार। अधिगम के अंदर जो अक्षमताएं पाई जाती हैं उनके क्या क्या प्रकार है? अफेसिया, अफेसिया का मतलब होता है भाषा ग्रहण में कठिनाई। हाइपरलेक्सिया, वाक्यों की बिल्कुल समझ ना होना। हाइपरलेक्सिया का मतलब क्या है? वाक्यों की बिल्कुल समझ ना होना। डिसकैल्कुलिया यानी कि गणितीय गणनाएं अशुद्ध करना। डिसलेक्सिया या डायलेसिया शब्दों या वाक्यों को पढ़ने संबंधी जो दोष कहलाता है वो डिसलेक्सिया डायलेसिया कहलाता है। डिसग्राफिया शब्दों या वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखना क्या कहलाता है? डिसग्राफिया। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक महोदय की है। अभी कुछ प्रणालियां हैं जिनके जैसे कि प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक महोदय की हैं। इकाई या बिनेटिका प्रणाली कार्लटन वॉशबर्न की हैं। डॉल्टन प्रणाली मिस हेलेन पार्क हर्स्ट की हैं। डेक्रोली प्रणाली डॉक्टर ओविड डेक्रोली की हैं। किंडरगार्टन फ्रोवेल महोदय का है। मॉन्टेसरी प्रणाली मारिया मॉन्टेसरी की हैं। और ह्यूरिस्टिक पद्धति आर्मस्ट्रॉन्ग की हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी जी की हैं। योजना विधि जॉन डिवी की हैं। व्यक्ति इतिहास टाइडमैन की हैं। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की हैं। और प्रयोगात्मक विधि किसकी है? प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट की है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की है। और साहचर्य विधि गोल्डन की है। बहिर्दर्शन निरीक्षण वॉटसन की है। समाजमिति विधि मोरेनो महोदय की है। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन विधि है पिस्टोलॉजी है। और ब्रेल विधि लुई ब्रेल की। प्रक्रिया विधि कमेनियस की। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर का है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन जो है नॉर्मन ए क्राउडर का है। इकाई उपागम के प्रवर्तक मॉरिशन। और आत्मनिरीक्षण विधि वुडवर्थ महोदय की है। अब है बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक है। बुद्धि परीक्षाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें महाभारत काल में यक्ष व युधिष्ठिर संवाद में मिलता है। बुद्धि परीक्षाओं का जो प्रत्यक्ष प्रमाण हमें महाभारत काल के यक्ष व युधिष्ठिर संवाद में मिलता है। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केटल ने किया है। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में केटल महोदय ने किया है। भारत में डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर सी एम भाटिया तथा पंडित लज्जा शंकर ने बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया है। इन लोगों ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, लज्जा शंकर सोहनलाल। मानसिक आयु का जो विचार है सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया है। मानसिक आयु का जो विचार है सर्वप्रथम किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है।
बुद्धि लब्धि शब्द का विचार टर्मन का है। बुद्धि लब्धि शब्द का जो विचार दिया गया है वो सर्वप्रथम विचार किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। और टर्मन ने बुद्धि लब्धि की क्या परिभाषा दी है, अमूर्त विचारों के बारे में जो सोचने की योग्यता है वही क्या है, बुद्धि है। तो आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया है, विलियम स्टर्न के द्वारा, और कोहलमान ने इसे दिया है। बुद्धि लब्धि के जो सूत्र का निर्माण किया है 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने और कोहलमान ने दिया है, उन्होंने दिया था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। फिर इसके अंदर क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, टर्मन महोदय आते हैं इसके बाद में और 1916 के अंदर इस सूत्र को संशोधित करते हैं और बुद्धि का सूत्र देते हैं मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100। ये वाला जो सूत्र देते हैं वो टर्मन महोदय देते हैं। बेसल वर्ष क्या है, बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं, और टर्मिनल वर्ष जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वह टर्मिनल वर्ष कहलाता है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था, 1890 ईस्वी में अमेरिकन प्रोफेसर जॉन मेयर व पीटर सेलावे ने किया है। जॉन मेयर और पीटर सेलावे ने संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि सर्वत्र चर्चित रही, इसका श्रेय जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। वर्तमान में इसे चर्चित करने का श्रेय जो है संवेगात्मक बुद्धि को डेनियल गोलमैन को जाता है। अब आगे चलते हैं। डेनियल गोलमैन 1995 के अंदर इनकी पुस्तक के संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ये डेनियल गोलमैन की पुस्तक है बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि के ऊपर। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपने तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने, उनका उचित प्रबंध करने से है। संवेगात्मक बुद्धि का जो तात्पर्य बताया है इन्होंने, अपने तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने, उनका चरित्र प्रबंध करने से है। है ने संवेगात्मक बुद्धि के चार तत्व बताए। है जो महोदय हैं उन्हें संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए, चार, स्व जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, स्व प्रबंधन और संबंध प्रबंधन। सृजनात्मकता को विधायिकता के नाम से भी जाना जाता है, जो सृजनात्मकता है उनको विधायिकता के नाम से भी जाना जाता है। सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास जो है गिलफर्ड महोदय ने किया है। सृजनात्मक जो मापन किया गया है सर्वप्रथम गिलफर्ड महोदय ने किया है। सृजनात्मकता का मापन अपसारी चिंतन पर आधारित है। अब आगे लेते हैं। जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के चार घटक बताए। जॉन पी डिसेको महोदय ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए, चार, उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दृढ़। मैकडूगल का मानना है कि मूल प्रवृत्ति के तीन मुख्य तत्व हैं। मैकडूगल महोदय का मानना है कि मूल जो प्रवृत्ति हैं उनके तीन मुख्य तत्व हैं। एक तो है सामान्य उत्तेजना, दूसरा क्रिया और लक्ष्य निर्देशन, और मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। आगे चलते हैं। मानव व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स के द्वारा किया गया है, परंतु एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय मैकडूगल को ही जाता है। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मांग जो सिद्धांत है जिसका दूसरा नाम है स्व यथार्थीकरण सिद्धांत, 1954 में अब्राहम मोस्लो के द्वारा दिया गया है। उनकी क्या क्या मांगें थी, मांगों की जो पदानुक्रमिक संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। सबसे पहली थी अनुभूति की मांग, सम्मान की मांग, सामाजिक मांग, सुरक्षा की मांग और जैविकीय मांग, इस प्रकार की मांगें थी। आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का जो सिद्धांत है 1943 के अंदर क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा दिया जाता है। हल के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, इसे पुश थ्योरी भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है पुश थ्योरी किस कहते हैं, अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत जो हल के द्वारा दिया गया है इसको पुश थ्योरी भी कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है। लेविन का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लेलैंड ने दिया है। उपलब्धि डेविड सी मैक्लेलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है।
उपलब्धि अभी प्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। मूल प्रवृत्ति के तीन अंग बताए गए हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। मूल प्रवृत्ति के तीन मुख्य अंग हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। मूल प्रवृत्ति और उनके प्रणेता। कुछ मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं और उनके कुछ प्रेरणा के नाम दिए गए हैं। काम प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड महोदय की हैं, आत्म प्रदर्शन एडलर की हैं, प्राण शक्ति बर्गसन का है, जीजी विशा शोपेनहावर हावर का है, रुचियात्मक प्रवृत्ति ग्रेवर की हैं, प्रतीकात्मक प्रवृत्ति ग्रेवर की हैं, सामाजिक प्रवृत्ति थॉर्नडाइक महोदय की हैं, व्यक्तिक प्रवृत्ति थॉर्नडाइक महोदय की हैं, संवेगात्मक प्रवृत्ति जो है वो मैकडूगल महोदय ने दी है। उसके बाद में है अपना टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्रियात्मक अनुसंधान को कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एव कोरे ने 1953 के अंदर 1953 में शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय है किसको, स्टीफन और कोरे को है। क्रियात्मक अनुसंधान को कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन व कोरे ने 1953 में शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो सूत्रपात करने का श्रेय है वो लोकतंत्री देश अमेरिका को जाता है। इसको सूत्रपात का श्रेय किसको जाता है, अमेरिका को जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोलियर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर किया गया था। कोलियर महोदय ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एंडरसन के मतानुसार क्रियात्मक अनुसंधान के सात सोपान हैं। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के इतने सोपान हैं, सात सोपान हैं। अब हैं बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनके एक नज़र के अंदर हैं, उनके सिद्धांत और प्रवर्तक के नाम हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फर्ड बीने का है, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, समूह कारक थर्स्टन का है। इन दोनों को आप जरूर याद करना, बहुकारक और समूह कारक के। बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत थॉमसन महोदय का है, पदानुक्रम सिद्धांत बर्ट व वर्नन महोदय का है। ब्लूम का सिद्धांत ब्लूम ने दिया है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत विल्फर्ड महोदय ने दिया है, बुद्धि का क तथा ख सिद्धांत हेब महोदय ने दिया है और त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया है। त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। प्रतिदर्श न्यादर्श या वर्ग घटक सिद्धांत थॉमसन महोदय का है। त्रिअंशी सिद्धांत गिलफर्ड महोदय का है। एकिक सिद्धांत में बिने टर्मन और स्टर्न महोदय ने दिया है। प्रधानता सूचक बर्ट व वर्नन का है और धारा प्रवाह व इष्ट सिद्धांत केटल महोदय ने दिया है। और इसी तरह आपके वन लाइनर नोट्स ख़त्म हो गए हैं आज की क्लास में। और ये पूरा साइकोलॉजी की बुक्स का पूरा निचोड़ कह सकते हैं आप इसे, रामबाण सिद्ध होगा अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो हैं उनको देखें, बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई हैं।